गाइस हमने जो कंसोल बनाया था हम वही वाला प्रोजेक्ट खोलेंगे और हम लोग एक एम्प्टी ऐड करेंगे, शिफ्ट ए एम्प्टी और एक प्लेन एक्सेस वाली एम्प्टी, या फिर आप ये वाली भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे प्लेन एक्सेस एम्प्टी ज्यादा अच्छी लगती है। आप ये क्यूब भी डाल दें, मैं क्यूब डाल रहा हूँ इस बार। तो उसके बाद मैं अपने गमले इनको हाइड कर देता हूँ, अपने प्लांट्स को, और उसके बाद मैं इस एम्प्टी को, एक तो मैं लाइट्स को भी हाइड कर दूँ, मैं बहुत ही तंग कर रहा हूँ। तो चलें गाइस अब हम लोग इसको बड़ा करते हैं, टॉप व्यू में जाएं, एस शिफ्ट जेड, इसको कंसोल जितना बड़ा करें, परफेक्ट ना हो बस हमने गुजारा करना है। इसको मैं जेड एक्सिस पे भी छोटा कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, वाई एक्सिस पे छोटा कर देता हूँ, वाई एक्सिस पे भी देखें, परफेक्ट। तो अब हम ए प्रेस करेंगे, ए प्रेस करके कंट्रोल दबाएंगे अपने कैमरा प्लेन और ये जो चीज है इसके ऊपर। तो अब हम लोग कंसोल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मेक श्योर करना है कि हमारा एम्प्टी मेन ऑब्जेक्ट हो, मतलब वो येलोइश हाईलाइट होगी और बाकी ऑरेंज। हम दबाएंगे कंट्रोल पी और कीप ट्रांसफॉर्म। अब जब आप एम्प्टी को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कंसोल भी मूव हो रहा है। तो अब हम लोग आई प्रेस करेंगे, रोटेशन प्रेस करेंगे और इसको हम लोग एंड फ्रेम कर देंगे इसकी, मे बी 250, फिलहाल 250 करते हैं। फिर एंड पे हमें आपको एनिमेशन या मुझे जितनी भी चाहिए होगी हम वो कर लेंगे। और फिर मैं आऊँगा फ्रेम 60 पे या फिर फ्रेम 50 पे और इसको मैं तकरीबन इतना ऊपर कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको एंड पे रोटेट करूँगा। पहले तो मैं यहाँ पर ये कर दूँ, इसको हल्का फिर रोटेट कर दूँ, बिल्कुल हल्का सा स्लाइटली, और यहाँ पर आई लोकेशन एंड रोटेशन। अब आप देखें हमारी बिल्कुल बेसिक एनिमेशन तैयार हो गई है। तो आप फिक्र ना करें, अभी हम इसे ग्राफ एडिटर में सही कर देते हैं। मैं एक साथ सारी एनिमेशन को ग्राफ एडिटर में सही करता है लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा की फ्रेम्स होती हैं। तो एक एक की फ्रेम करके हम लोग करते हैं, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट और जेड एक्सिस के अलावा बाकी सब कुछ डिलीट कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, इस हैंडल की लास्ट की को पकड़ूंगा और इसको तकरीबन इतना कर दूंगा। अब आप एनिमेशन प्ले करके देखें, सही, परफेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इधर, परफेक्ट गाइस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे 51 पे, आई लोकेशन एंड रोटेशन, या फिर ओनली रोटेशन, आई रोटेशन, और हम लोग फ्रेम 100 पे आ जाते हैं और यहाँ पर आके इसको मे बी 45 या 40 डिग्रीज रोटेट कर देते हैं और इसको रोटेशन दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये और फिर ये, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग है ये, तो जो मेरी पहली की फ्रेम है रोटेशन की उसको मैं 40 पे कर दूंगा और मेरी जो 100 पे है उसको मैं 80 पे कर दूंगा। अब आप अगर एनिमेशन प्ले करके देखें, अब थोड़ी सी बेहतर हुई है। अगर मैं इसको 30 पे कर दूं, तो दिस इज लुकिंग गुड, लेकिन अभी हमने इस पर थोड़ा और काम करना है रोटेशन की स्पीड पे। मैं अपने FPS को 30 कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा ग्राफ एडिटर में जाता हूँ। मैं आपके लिए ये ऑन कर देता हूँ ताकि मैं जो भी क्लिक करूँ वो आपको नजर आए। तो ऑन करने के बाद गाइज मैं यहाँ से रोटेशन वाली सारी की फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ और मैं जेड हटा देता हूँ, वाई हटा देता हूँ और एक्स, सिर्फ हमने एक्स पे रोटेशन दी है तो मैं उस पे आ जाता हूँ, बाकी सारी डिलीट रोटेशन कर दूंगा। तो उसके बाद मैं एक्स का भी ये वाला हैंडल सेलेक्ट करूंगा और इसको तकरीबन इतना और इतना फिर इतना, तो ये अच्छा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग कैमरे को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, हम आर डबल एक्स दबाएंगे, उसको तकरीबन इतना रोटेट कर देंगे। अभी आप एनिमेशन प्ले करके देखें, परफेक्ट। उसके बाद मैं फ्रेम नंबर 81 पे आता हूँ, दोबारा से रोटेशन और यहाँ पर जाके, अब आपने अगर डिलीट नहीं करनी की फ्रेम्स टाइमलाइन में तो आप यहाँ से एक्स और वाई पे आप दोबारा से कर लें ताकि इसकी की फ्रेम्स हट जाएं और फिर सिर्फ जेड एक्सिस पे आप रखें, क्योंकि हमने सिर्फ जेड एक्सिस पे इसकी रोटेशन वाली की फ्रेम्स डाली हैं। तो उसके बाद गाइज मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 150 फ्रेम तक आके, इसको मैं 360 डिग्रीज रोटेट कर देता हूँ, आई रोटेशन। अब आप देख सकते हैं ये हो तो सही गया है
ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो है कंसोल ये वापस ऐसे ही चला जाए, तो मैं इसके 1, 2, 3, 4 ये की फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, इधर ले आता हूँ। मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये अजीब सा बिहेव कर रहा है और वो सब, ये आप देख सकते हैं हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, तो हम फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं। अब आप शुरू में गौर से देखें, हमारा ये पहले सिंपल ऊपर आया था, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ और इसको डुप्लीकेट करके फर्स्ट फ्रेम को यहाँ ले आता हूँ। अभी भी ये सही नहीं हो रहा, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ इसको भी। तो अब आप यहाँ से देख लें कि ये सही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसकी रोटेशन अजीब सी है, तो आप फिक्र ना करें, अभी हम वो सही कर ले रहे हैं। फिर मैं आता हूँ फ्रेम 51 पे, आई लोकेशन एंड रोटेशन, फिर मैं फ्रेम 200 पे जाता हूँ, इसको वापस रोटेट करता हूँ 40 था जी, और इसको मैं नीचे रख देता हूँ, इसका परफेक्ट है। तो इसको मैं यहाँ पर करके आई लोकेशन एंड रोटेशन, अभी आप देख सकते हैं जो मैं चाह रहा था ये वही हुआ, पहले घूमा फिर नीचे आ गया, लेकिन अभी इस पर काम बहुत ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि शुरू में आप देख सकते हैं ये ऐसे आया फिर रोटेट हुआ, यहाँ पर ये सीधा ऐसे आ रहा है, तो आप फिक्र ना करें अभी हम सही कर लेते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ गलत कर ली है, इसको मैंने पहले लोकेशन देनी है, फिर 200 पे जाके इसको मैंने नीचे कर देना है, 1, 2, 3, 4 हाँ जी इतना आई लोकेशन, उसके बाद मैंने 80 पे आना है और यहाँ पर इसको 40 डिग्री रोटेट कर देना है, आई रोटेशन, और यहाँ पर 220 पे आके ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके रोटेशन इसकी ऐसे हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से करके आई ओनली रोटेशन, फिर 220 पे आके मैं इसको रोटेट करता हूँ 40 डिग्री -40 और फिर रोटेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये वही हुआ है जो हम चाह रहे थे, लेकिन ये नीचे आ रहा है, आप देखें ये ऐसे हो रहा है, तो हम ये नहीं चाहते। तो मैं ग्राफ एडिटर में जाता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ ए और ये सारे पे आ जाता हूँ, और मैं सिर्फ यहाँ से ये पहले तो मैं ये वाई लोकेशन एक्स लोकेशन में रखता हूँ, इस पे जाता हूँ, इसका ये हैंडल सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि ये फास्ट से स्लो हो जाए, ये आप देख सकते हैं फास्ट से स्लो हुआ है, ये देखें, उसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा तेज हो गया है, तो अभी देखते हैं, परफेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जो अंदर जा रहा है, हमने यहाँ पर देखना है कि ये क्या हो रहा है, तो अब एक्स रोटेशन को डबल क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि पहले तेज हो जाए ताकि ये फौरन से पहले ऐसे हो रहे हैं, तो ये यहाँ से ये दोनों हैंडल सेलेक्ट करके मैं इधर जाता हूँ, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये फास्ट से स्लो हो ताकि ये पहले जल्दी से हो जाए, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसको मूव कर रहा हूँ तो वो पहले वाला भी हो रहा है, तो आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मैं आपके साथ हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फिर मैं ये दरमियान हैंडल सेलेक्ट करके वी दबाऊंगा और फ्री कर दूंगा, अब हम इसे जो भी जितना भी मूव करें वो फ्री मतलब फ्रीली मूव करेगा ये वाला, लेकिन उससे पीछे वाला मूव नहीं होगा, तो हमें यही चाहिए। इसको मैं तकरीबन इतना कर देता हूँ और अब मैं अगर प्ले करके देखूँ थोड़ा सा ऐसे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्लेन को थोड़ा नीचे कर दूंगा, ताकि उसके साथ इंटरसेक्ट ना हो। अब ये है, इसको मैं यहाँ पर जाके 105 पे जाके उसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आई रोटेशन, और मैं इसको जेड एक्सिस पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं तो ये थोड़ा सा फिर भी अजीब लग रहा है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं
इसको नीचे कर देता हूँ प्लेन को ऐसे। और अब आप अगर अपनी एनिमेशन प्ले करके देखें, मैं 220 पे अपनी एनिमेशन हटा दूंगा, आई मीन एंड कर दूंगा 230 पे, मैं भी 230। और अब आप जब प्ले करके देखेंगे तो ये एनिमेशन बड़ी प्यारी ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन इसकी हो रही है। तो मैं और टेस्ट दबाता हूँ ताकि हमारा सब कुछ वापस आ जाए। अब आप एनिमेशन प्ले करके देखें, मैं इसको रेंडर व्यू में जाके देखता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा उधर कोने में कर देता हूँ और इसको भी मैं सिलेक्ट करके उधर कोने में कर देता हूँ, परफेक्ट। उसके बाद मैं एनिमेशन प्ले करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी लग रही है। मैं स्कैन फ्रेम 220 कर देता हूँ, 220। अब आप अपनी एनिमेशन बेशक प्ले करके देख लें, दिस इज नाइस, वेरी नाइस। तो मैं इसको सेव करके, अब हमने पीएनजी में तो नहीं करना, तो मैं इसको एफएफएमपेग वीडियो में कर दूंगा। उसके बाद आप हाई स्टैंडर्ड को वेरी हाई भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल F12 दबा के।